मैं हूँ संगीता और ओम्बिका चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे पांच शॉर्ट्स। लंच हो या डिनर, इसके बाद किसी ना किसी मुखवास की तो सभी को ज़रूरत होती है। ऐसे में घर में बना पांच शॉर्ट हो तो कहना ही क्या। तो इस पांच शॉर्ट्स को बनाने के लिए हम लेंगे पाँच पान के पत्ते। पान आप कोई भी ले सकते हैं, बंगला पान, कैलकटा पान या मगही पान। तो यहाँ मैं कैलकटा पान के पांच पत्ते ले रही हूँ। उन्हें अच्छे से वॉश करके उनके पीछे की डंडी को हमने कट कर दिया है और अब इसे हम बारीक कतरन पान की काट लेंगे। रफली चॉप कर लीजिए पान को, जिससे कि जब हम इसे ग्राइंड करें तो वो अच्छे से ग्राइंड हो, प्रॉब्लम ना करें। तो लीजिए, हमने पान के पत्तों को अच्छे से चॉप कर लिया और अब एक मिक्सी जार लीजिए, इसमें हम पान के पत्ते और दो चम्मच लखनवी सौंफ। ये वही सौंफ होती है जो हम मुखवास में काम में लेते हैं, तो दो चम्मच आप सौंफ डाल दीजिए। अब इसमें या तो आप आइस क्यूब डालिए या फिर दो चम्मच ठंडा पानी डाल के आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। तो मैंने यहाँ दो चम्मच पानी डाल दिया बर्फ़ के सहित और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए ग्राइंड हो गया। अब इसमें हम तीन से चार चम्मच पिसी चीनी, मेरे पास पिसी चीनी थी तो वो डाल दी, आप चाहे तो साबुत डाल दीजिए, उसे भी डाल के पीस लीजिए। तो ये देखिए हमने चीनी डाल के इसे पीस लिया। कलर बहुत शानदार है, यहाँ मैं कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब तीन से चार काजू मैंने डाल के पीसे हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। देखने में कलर लाजवाब आ रहा है। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे दो चम्मच अपना गुलूकंद। गुलूकंद बहुत अच्छा फ्लेवर पान शॉर्ट में देता है और गर्मियों में खाना बहुत ही लाभकारी होता है। और इसे भी डाल के हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, फाइनली हमारा पान शॉर्ट्स का पेस्ट बनके तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल के आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो हफ्तों काम में ले सकते हैं। अब एक बर्तन लीजिए, उसमें चिल्ड दूध लीजिए, बिल्कुल ठंडा दूध। जितना भी आपको अपने शॉर्ट्स बनाने हो पांच शॉर्ट, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। और तीन से चार चम्मच फ्रेश क्रीम डालिए। क्रीम ना हो तो उस कंडीशन में आप मलाई को भी फेंट के डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी हमने पेस्ट में भी डाली है, लेकिन जब ड्रिंक बनाएंगे तो दूध का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीनी डाल के मिक्स करके अब इस दूध को एक बर्तन में निकाल लीजिए। जिस भी बर्तन में आपको ड्रिंक तैयार करना उसमें निकाल के अब इसमें तीन से चार चम्मच आप ये पेस्ट की डाल दीजिए। अच्छा हाँ, ये पेस्ट आप आइस क्यूब के रूप में फ्रीजर में रख के रख सकते हैं, जिसे आप महीने भर यूज़ करेंगे, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब लेंगे हम पान शॉर्ट्स का हीरो, यानी पान आइसक्रीम। ये आइसक्रीम हम एक एक चम्मच अपने सर्विसिंग ग्लास में निकालते जाएंगे। इससे बहुत अच्छा हमारे पान शॉर्ट्स का फ्लेवर आएगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे, तो मैंने पान आइसक्रीम का भी इस्तेमाल किया है। और कोई फूड कलर का यूज़ नहीं है, तो कलर भी हमारा बरकरार रहेगा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब सभी को हमने जब चम्मच से भर लेना है और जो हमने पान का ड्रिंक तैयार किया था वो इसमें अच्छे से डाल लेंगे। आप अगर ग्लास भर के बनाना चाहते हो तो ग्लास में बनाइए, मैंने यहाँ शॉर्ट्स में ही बनाया है, थोड़ा ही बनाया है। और सभी में अच्छे से ड्रिंक निकालने के बाद हम चम्मच से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जिससे आइसक्रीम और जो हमारा पान का ड्रिंक था वो तैयार हो जाए। और लीजिए, हम इसे अब कटे हुए पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी हमने इसमें डाली है अपने केसर। तो ये सभी चीज़ों से गार्निशिंग करिए। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। और लीजिए, मिनटों में हमारा पान शॉर्ट्स तैयार है। बाकी बचा हमने ड्रिंक एक बॉटल में निकाल लिया है और
इसे हम अब आपके सामने दिखाएंगे। काफ़ी टेस्टी सा हमारा ये शॉर्ट्स बना है। आप लोगों को हमारा ये 5 शॉर्ट्स का वीडियो कैसा लगा? ऐसी आसान रेसिपियाँ सिखाना हमारा मकसद है आप लोगों को, और आप लोगों को इसके बदले बस करना क्या है, नीचे दिए गए बटन को प्रेस कीजिए, लाल बटन को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब इस रेसिपी को बना रहे हो मुझे कमेंट्स करके बताना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।